हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एट कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो आइए देखते हैं इसको और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कौन सा? ये रोज नहीं है, ये कुछ और फ्लावर्स है। अबे चल बे, ये रोज नहीं है। रोज तुझे पता नहीं कैसे होते हैं, तुझे रोज डे पे मिले नहीं ना, इसलिए तुझे पता नहीं। गाइस ये कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बैडमिंटन कोर्ट। कौन है कोच यहाँ का? नकली कोच। ये देखो इतना सुंदर बना हुआ है, अभी कोई खेल नहीं रहा है। ये हमने शूट करने के लिए जरा सब लोगों को बुक करा हुआ है, हाँ भगा दिया, बुक किया हमने आज के लिए। तो अभी यहाँ पे बहुत सही वाला गेम चलेगा। और कुछ कहना चाह रहा है ये, क्या ब्याह शादी करा दे किसी? गुजरा भी यही होता है, बुक कर लो, ब्याह शादी कराओ। उसी से सिंधु की लुकी हुई है। सिंधु जी इज्जत से बात करनी चाहिए। फोटो एक और भी बढ़िया। ली चू वेन, चुप रहे, लिख दे सामने से। ली चूंग वे मलेशिया। अबे वो मेल है, यहाँ पे तो लग जाएगा स्टेज, खाने का वहां कर देंगे, यहाँ ऑडियंस यहाँ बैठ जाएगी। यहाँ वो शादी का स्टेज, यहाँ कुर्सियां उर्सियां, ऊपर डेकोरेशन बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ पे पीछे खाने वाने, सन्नी का कराएंगे, सन्नी का ब्याह कराएंगे हम यहाँ पे। यस गाइस, जितने मनफिट हो चुके हैं हम यहाँ पे आज इसीलिए आए हैं कि प्रमोट कर सके कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अपने हाँ हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये देखो हम यहाँ ऑरेंज लेके आए, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गवार। क्या दोबारा बोल, क्या खेलो कूदो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गवार। समझ गए, ऐसी ही बातें यहाँ पे प्रमोट करते हैं ये गधे आदमी। भाई खेलकूद हेल्थ के लिए बेनिफिट है, पढ़ पढ़ के लोग मर ही रहे हैं, खेलकूद में फिट तो रह रहे, जी तो रहे हैं। नहीं ये बात से मैं अग्री करती हूँ 200%। चलो फिर देख लिया आपने बैडमिंटन कोर्ट, बढ़िया जो बना हुआ है एकदम। तो ये है अक्षरधाम मंदिर के पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स। हाँ वहाँ पे आ जाओ और वहाँ अपनी बुकिंग करानी है तो हमसे बात कर लो। हाँ ठीक है, और अभी इलेक्शन का सब चालू रहेगा, मोदी ने बंद करा रखा। कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप हमसे बात करेंगे, जानकारों का ही है भाई ये। और बस मोदी का है, मोदी का भाई का है, मोदी मोदी भैया का, मोदी भैया का, उनसे बात करवा देंगे डायरेक्ट। हम आपको दिखाएंगे कैफेटेरिया जहाँ पे मैं मेरे इंजा को कोल्ड कॉफी पी पिलाऊंगी। देखो बहन आई है, शादीशुदा बहन माइके आई है, मुझे नहीं पिलाएगा। हाँ, बिल्कुल। चलो मैं ही पिला दूंगी इसको। एंट्री रूम जहाँ लोग हेल्दी डाइट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वहाँ ये फास्ट फूड। शाम तो नहीं आ रही होगी, देख कितने हेल्दी हेल्दी खाना खा रहे हैं बच्चे। 2 महीने का ब्रेक फिर हम करेंगे कॉम्पिटिशन की तैयारी। हाँ कौन सा कॉम्पिटिशन? बकवास करने का ये टीम। अब हम जा रहे हैं ऊपर, जैसे जहाँ रेसेस वगैरह होती हैं तो वो हम देखेंगे। अच्छा है यहाँ से, ये कौन से गेम्स चल रहे हैं? स्नूकर। ये यहाँ से हम आए थे, उधर की साइड ऑपोजिट साइड है स्विमिंग का, बैडमिंटन का, और यहाँ पे रेस लगाते हैं बच्चे। वाओ है मिरिंडा, तेरे को बोल दो 100 मीटर भागने को भी ना भाग पाए तू। वाओ ये तो फुटबॉल है। हाँ बीच में फुटबॉल और ये रेस। अभी तो बच्चे थे, कहाँ थे? अरे वो इधर दौड़ रहे चले गए अंदर। अच्छा वो जो लड़कियां थी वो। गाइस तो अभी यहाँ पे टग ऑफ वॉर के ट्रायल्स होने वाले हैं और ये सिलेक्शन कमिटी में से हैं। आई एम फ्रॉम द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ टग ऑफ वॉर, इंडियन टीम। इंडियन टीम। अभी होने वाले ट्रायल्स आपको दिखाते हैं, देखते हैं कौन अच्छा है कौन नहीं है, फिर उसका देखते सिलेक्ट करते हैं। हाँ इंडिया को आगे पहुँचाना टग ऑफ वॉर में भी। हाँ और मैं इनकी असिस्टेंट हूँ। या शी इज माई असिस्टेंट। या आई एम इज असिस्टेंट। अभी देखते हैं और बाकी यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे अभी बच्चे आएंगे, अभी लंच करने के लिए गए हुए हैं तो लंच करके बच्चे आएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं हम कंपनी। ये कॉर्पोरेट वाले हैं ना जो आए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, तो इनमें से फिर हमें देखना है कि
कौन बढ़िया रहा है, किसको इंडियन टीम में लेके जाए किसको ना लेके जाए। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। करेक्ट करेक्ट, आप इसकी बात समझ लेना ढंग से। हाँ, जो ये ओ सॉरी जो सर बोल रहे हैं वो आप समझ लेना। सॉरी सॉरी सर, इसलिए फ्रैंक नहीं होते हम। गाइस ये देखिए, यहाँ मेट्रो चल रही है। ये क्या है, खजूर के पेड़, मेट्रो आ गए, अक्षरधाम मंदिर, ये है ट्रैक है, ये बास्केटबॉल दौड़ने की जगह और ये मिरिंडा मिरिंडा क्या सर? और ये स्टेडियम बढ़िया। हाँ मिरिंडा सर अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है। हाँ भाई लच्छू, कबूतर उड़वाते रहे हैं यार, सन्नी की शादी के लिए ग्राउंड बुक करना है वो। हाँ ये रहा ना, देख सन्नी शादी के लिए, देख रहा ये रहा, ये बढ़िया रहेगा बता। यार खेत वाली जगह, खेत वाली जगह करा दे, अब सरकार ने कब्जा कर लिया तो क्या हो गया, करवा देंगे बुकिंग। ये जो रेड टी शर्ट में भैया खड़े हुए जैकेट पहन के बोल रहे कि तू इतनी आलसी तो नहीं लगती थी, इतनी आलसी कैसे हो गई है तू, क्योंकि ये ट्रैक का ये ग्राउंड लेने से मना कर रही है, तो ये हमारे नोटिस में आ गया है। नाउ लेट्स सी सर, ये इनकी जो ये बातें रही हैं इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये राउंड लेने से मना कर रही थी? वार्म अप कर रहे हैं अभी, बॉडी मना कर रही थी उसके लिए, तो फिर अब कैसे देखते हैं। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट गया ना इनके खिलाफ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, भी देखते सब करेंगे। अच्छा अच्छा सर कह रहे थे, ओके देखते हैं फिर गाइस। मान जो मुझे ये पूछ रहा है मैं इनसे भिड़ लूंगी या नहीं, तो मेरा इस पे जवाब ये था कि इन्हें तो मैं दे मारूं भट भट। तू भी कर ले, मैं तेरे को सेलेक्ट कर लूं। कह रहा है कि मैं कर लूं, मुझे सेलेक्ट कर लेगा, ऐसे ये नहीं पता भैया, हमने कर करके छोड़ दिया ये सब, हमें सेलेक्ट करूंगा ना तेरे को, नेशनल्स के लिए सेलेक्ट करेंगे मेरे को, देख लो। ये इतनी डेढ़ डेढ़ बज की लड़की ना, दे के मारूं भट भट भट, तू जानता क्या है। स्कूल में तो बता दे, स्कूल में तो मैंने किया हुआ है, हर कॉलेज में भी किया है, स्कूल में भी किया है। कर ले तू। नहीं यार अभी नहीं, यहाँ से कुछ लड़कियाँ आई है राउंड लेके, ये यहाँ पे रोप के पास पहुँच गई हैं तीन चार लड़कियाँ, ये इनके पता नहीं कोच हैं क्या है, दो तो हैं, और यहाँ पे चल रहे हैं गुफ्तगू। ये इनके कुछ कोच हैं कुछ है। सीनियर्स हैं जो अभी हमने इनकी काफ़ी गहरी बातें सुनी, जज्बात सुने इनके, उन सारी चीज़ों के ऊपर ही उन सारे चीज देखते हैं उनके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। हाँ फिर देखते हैं इनमें से किसको हम सिलेक्ट करते हैं किसको नहीं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है गाइस, यू नो लेट्स सी अभी क्या होता है इस गेम में। जा रही है मैडम, ये करेंगी जा रही है, ये गेम बढ़िया, ये आए सीनियर प्लेयर मैदान में। मंजू मैम ये तो कह रही है हमारी टीम में, इनको तो सिलेक्ट करना ही करना है, बाकी और देखते हैं। प्लेयर्स अभी आ चुके हैं बट इनका भी नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये अगले हफ्ते लिस्ट लग जाएगी तब पता चल जाएगा सबको कौन सिलेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ। आगे देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं कौन है कौन नहीं है। ठीक है, देन बाय। नोटेड सर, नोटेड। तो इधर पे एक दो तीन चार पाँच छः सात है, वे नहीं टोटल इधर आठ है, सात, और यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ट्रायल चल रहा है। ये तो गए, ये क्या मजाक था, अबे यार गुस्सा ही आ गया ये गेम देख के तो भाई। सिलेक्टर सर, अच्छा ओके ओके सर, फिर से शुरू कर रहे हैं अभी, अब देखो अब ये कितने सेकंड्स के लिए चलेगा गेम। पीछे से इस वाले में पीछे से थर्ड वन उसको पकड़ लो। अच्छा स्ट्रेंथ बढ़िया है, बढ़िया खींच रही है, सही है सही है। गुड, हमने देख लिया, हमें बहुत ही वाहियात लगा
इनको ना कोई इन्होंने डंका स्टांच लिया, ना इन्होंने कोई अपना मतलब एक होता ना जज्बा वो गेम को खेलने का है, वो ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे इनमें नहीं। तो ना भाई मेरे को तो नहीं दिखा, क्या था बता लड़कियों में इधर वाली में विद इन लाइक विद इन 7 seconds हार जा रहे हैं, ये नहीं होता। चलो जोक्स अपार्ट, लेकिन ये थोड़ा गेम मेरे को इनका सैड ही लगा। चलो दिखाते एक गेम और लास्ट देख लेते हैं, हो सकता है कोई डंका दिख जाए इनमें। 8 जन इधर है, 8 जन इधर है और 8 जन इधर है। अब इन्होंने अच्छा वो भी तो हाथ का भी तो फर्क पड़ता है, अब इन्होंने साइड चेंज करी है ना। अब ये भी देख लेते हैं गेम। चलो चीख इतनी जोर से है, लेकिन देख देखियो जो जैसे ये पुल करते हैं ना उसमें कोई मतलब है ही नहीं, जान ही नहीं लगानी है इन्हें। इससे अच्छा तो मैं स्कूल में खेलती थी। ये देख लेकिन की सारी के पैरों की मूवमेंट देख। हाँ राइट वालों की पैर की मूवमेंट अच्छी है। चलो वेरी गुड गर्ल्स, वेरी गुड। सर बताइए फिर आप क्या कहना चाहेंगे। गर्ल्स अच्छा कर रही है, गर्ल्स अच्छा कर। ये टीम अच्छा कर रही है, ये कहना चाह रही है। बॉयज की टीम इतना अच्छा नहीं कर रही है ना, तीन लड़के उसमें फिर भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। हाँ ये तो करेक्ट बात है, पैरों के मूवमेंट सही है, सिंक्रोनाइजेशन अच्छा है। हाँ I like it. Very nice. तो जो सारी गर्ल्स वाली टीम थी उसी में से फिर हम सिलेक्ट करेंगे कोई ना कोई, है ना भाई। एक तो है उधर से, उससे भी देखते हैं अभी किसको करना है। अच्छा चलो ठीक है, अब हम घर जाते हैं, हो गया बस इतना ही गेम था हमारा। चलो घर बताऊं तुझे सिलेक्टर आया हो या फिर चल घर, वेट कर रही है मम्मी, रोटी खानी है। सैंडविच खा लिया। और ये कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एंट्रेंस इतना सुंदर बनाया हुआ है, ये लगे हुए फाइकस यहाँ पे एंट्री पे। खैर मैं तो जाते हुए दिखा रही हूँ उस साइड से, जब आएंगे एंटर करते हुए ये सब दिखता है। इन्होंने गेंदे के छोटे 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 अभी सैपलिंग्स ही हैं जो लगाए हैं, ये फ्लावर्स ये सब फाइकस का इन्होंने बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है सब। वेरी नाइस एंट्रेंस, सुपर्ब। ऐसे एंट्रेंस देखो, अभी यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम इसलिए है क्योंकि सरकारी है ना, और अभी इलेक्शन आ रहे हैं एक महीने में, तो इसलिए अभी काम हम सब बंद हो रखा है यहाँ पे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नो स्मोकिंग जोन। ईस्ट दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पीछे ये कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो आप यहाँ आओ, यहाँ स्विमिंग भी है, बैडमिंटन भी है, ट्रैक बना हुआ है जैसा कि हमने देखा, बहुत सुंदर गेम्स वगैरह होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो ईस्ट दिल्ली वाले लोग तो बिल्कुल आए यहाँ पे, और बाकी और जगहों के जो लोग हैं वो भी आए। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अभी एक महीने तक के लिए यहाँ पे थोड़ा रश कम होगा बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, बट अदरवाइज आप आओ यहाँ पे, बहुत सही है। अपना हेल्दी रहो यार, फिट रहो, तो ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह यहाँ पे, जिम भी है तो वो भी आप कर सकते हो, स्नूकर वगैरह भी है। तो अगर आप ऐसे ही आना है बस तो भी आ सकते हो आप, बढ़िया है। पार्किंग का भी कोई इशू नहीं होता, पार्किंग देखो कितनी बड़ी स्पेस है, फुल पार्किंग का जगह अवेलेबल है। ये हमारी गाड़ी, जैसे कि आपने देखा ये था कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और सबको अपनी लाइफ में कोई ना कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज्वाइन जरूर करना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, बढ़िया रहने के लिए। स्टे हेल्दी। हाँ आप कुछ कहना चाहेंगे? स्टे फिट, स्टे हेल्दी। ईस्ट दिल्ली वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? आओ यार, फिटनेस के ऊपर ध्यान दो, बीमारियों से बचो, वैसे इतना पॉल्यूशन हो रहा है यार, क्या करोगे? बारिश से बचने के लिए आपको स्पोर्ट्स जरूरी है लाइफ में, स्पोर्ट्स खेलो और कुछ ना कुछ करो। राइट, तो फिर यही था आज का हमारा ज्ञान। देखें वो मिल रहा है कि नारियल पानी वाला।